दिल्ली में जहां एक तरफ उत्तराखंड के कई नेता एकाएक करके पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के नए सीएम के चेहरे के मंथन को लेकर, तो वहीं आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, रावत ने ये बयान दिया है कि उत्तराखंड में बीजेपी को जो जीत मिली है उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को, चेहरे और इसके साथ ही उनके जरिए 4 साल में जितने भी विकास के कार्य किए गए हैं उनके बूते ही उत्तराखंड में इस तरह से मिथक तोड़कर एक बार फिर से जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आपको बता दें कि 4 साल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को अचानक से ही हटा दिया गया था, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी और तीरथ सिंह रावत ने कभी भी अपने बयानों में प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यों का जिक्र तक नहीं किया था। पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकाल के अंतिम 6 महीने के समय में अपने 6 महीने के कार्यकाल के किए गए कामों को ही गिनाते हुए वो नजर आए। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी साफ तौर पर कहा है कि उनके 4 साल में जो काम हुए हैं, उनके कार्यकाल में जो भी विकास के कार्य हुए हैं, उनकी वजह से ही बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। लेकिन अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या कहना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।